Hello students, this video is for grade 1st. So let's get started. In this video, we are going to read three different parts in which we will get to know about three different subjects. So the subjects are English, Maths and EVS. Let's start with the first subject, English. The question says fill in the blanks using WH question words. तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है लेट्स गेट टू नो अबाउट व्हाट आर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स ये होते क्या हैं ओके सो यू ऑल हैव मस्ट नोन अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ड इफ यू डोंट नो आई एम एक्सप्लेनिंग इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन पूछना ओके okay. इंट्रोगेशन मतलब होता है क्वेश्चन पूछना ओके okay. तो ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछते हों कोई सवाल पूछते हों उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन वर्ड्स अब इन क्वेश्चन वर्ड्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं ओके okay. इन क्वेश्चन में वर्ड्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं एक नो yes, टाइप no और दूसरी डब्ल्यू एच ओके नो टाइप और डब्ल्यू एच यस नो टाइप में क्या होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन uh, पूछता है तो उसका आंसर आपको सिर्फ यस yes या फिर नो no में देना होता है आप हैव यू ईटन योर हैव यू एट योर फूड क्या आपने अपना खाना खाया अगर हाँ खाया तो आप बोलो येस yes, अगर नहीं तो आप बोलो नो दिस इज द सिंपल ओके इसी तरीके से यस नो क्वेश्चन होते हैं बट वॉट आर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं तो मीन्स वॉट when, where, how. Okay, these are some WH question words means. इसमें आपको पूरा explanation का answer देना होता है. Okay, in this you have to give the answer in explanation. Explain करना होता है कि exactly में आप क्या कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो ये सब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ बताना होता है एग्जैक्ट पर्टिकुलर आंसर और यस नो टाइप में सिर्फ आपको येस या फिर नो में आंसर देना होता है वहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं होती कि आप कोई पर पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दो बट डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आपको नेसेसिटी हो जाती है कि आप वहाँ पे पर्टिकुलर आंसर दो सो आपको यहाँ पे फिलअप करने डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स मैंने अभी आपको बताया वॉट वेयर वेन ओके दीज आर समब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स मतलब कौन कब कहा कैसे क्यों ओके ये सारे कुछ हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स हैं सो डैश इज शी शी और पहले तो क्वेश्चन है डैश इज शी और फिर आंसर आ रहा है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो क्वेश्चन क्या बनेगा वो कौन है हु इज शी डब्ल्यू एच ओ हू मतलब कौन इज शी वो कौन है या फिर वो लड़की कौन है सो यू आर गिविंग द आंसर शी इज माई बेस्ट फ्रेंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ओके okay? सो so, आपने देखा यहां मैंने एक्सप्लेन किया ना दैट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड ना नेक्स्ट डैश आर यू गोइंग आंसर क्या आता है आई एम गोइंग टू द पार्क मैं पार्क जा रहा हूं या फिर जा रही हूं तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए वेयर आर यू गोइंग तुम कहां जा रहे हो या जा रही हो तुम कहा जा रहे हो ओके वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई Where? Where? मतलब कहा आंसर तो आया आई एम गोइंग टू पार्क डैश बैग इज योर्स दैट ब्लू इज बैग इज माई ओके पहले तो क्वेश्चन है that, dash, पहले वहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड फिल करेंगे फिर आ गया था बैग इज योर्स आंसर में क्या है दैट ब्लू बैग इज माइ मतलब ब्लू वाला बैग वो मेरा है तो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन इज बीइंग च बैग इज योर्स तुम्हारा कौन सा बैग है वो ब्लू वाला बैग तो मेरा है ओके okay, पहले क्वेश्चन पूछा फिर आंसर दिया है कि तुम्हारा बैग कौन सा है और आंसर में क्या है दैट ब्लू बैग इज माइंड वो ब्लू वाला बैग मेरा है सो द क्वेश्चन विल बी फॉर्म विच बैग इज योर्स तुम्हारा बैग कौन सा है विच मतलब कौन सा डब्ल्यू एच आई सी एच विच

4 ones are 4 4 twos are 8 4 threes are 12 4 fours are 16 4 fives are 20 4 sixes are 24 4 sevens are 28 4 eights are 32. 4 nines are 36. And 4 tens are 40. Okay. So you have to circle only these number which comes in the table of 4. Now, see the next question. Solve the given questions. Okay. So, uh, multiply questions. Hai. For these, you have to learn the tables. Iskali tables are not the Multiply questions. Hai. Like 3 nines are. What is the answer? Three nines are twenty-seven. Very good. Two eights are sixteen. Yes, two eights are sixteen. Five sevens are five sevens are thirty-five. Very good. So in this way, you have to.

पर्सन हु टीचेस यू इज कॉल्ड अ एक ऐसा पर्सन जो आपको पढ़ाता है हु टीचेस यू इज कॉल्ड अ उसे क्या कहते हैं अ पर्सन टीचर यू जो आपको पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं टीचर वेरी गुड दैट इज कॉल्ड टीचर टी ई ए सी एच ई नेक्स्ट आई राइट यूजिंग हूं किसकी यूज से आप लोग किसकी यूज से लिखते हैं क्या यूज करके राइट करते हैं यूजिंग अ पेंसिल यस यूजिंग अ पेंसिल पी ई एन सी आई l pencil i write using a pencil third one my teacher writes on the हमारी टीचर किस पे लिखती हैं मेरी टीचर लिखती हैं किस पे क्लासरूम uh, में टीचर किस पे लिखती हैं माय टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड यस माय टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड b l a सी के ब्लैक बोर्ड बी ओ ए आर डी बोर्ड ब्लैक बोर्ड नाउ द नेक्स्ट वन माई माई टीचर राइट विथ अ मेरी टीचर किससे लिखती हैं पहले पूछा था कहाँ लिखती हैं अब पूछ रहे हैं किससे लिखती हैं विथ अ पहले कहां लिखती है ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखती है विद दी हेल्प ऑफ चौक माई टीचर राइट विथ अ चॉक सी एच ए एल के चौक माई टीचर राइट विद अ चॉक सो इन दिस वे यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स एंड फिलअप ऑल दीज Sentences. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt in any subject, you can ask me. Thank you.